हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे हमारी तरह, जैसे कि हम ठीक हैं। और गर्मी भी आपके यहाँ भी ऐसी होगी जैसे हमारे यहाँ है भाई। बहुत गर्मी हो रही है, क्या करें। तो गाइस, गर्मियों में बड़ा ही जी दुखी होता है और पसीने कटे हो जाते हैं, क्या करें। तो ये देखिए गाइस, हमने बना ली है लस्सी बच्चों के लिए, और ये थोड़ी सी दही रखी है देव के लिए, क्योंकि देव बोल रहे थे मम्मी मैं दही खाऊंगा। और सब्जी बनाई थी मैंने रात को, काले चने और सफेद चने के पकौड़े रखे हैं। सब्जी मैं बनाऊंगी नहीं, तो चलिए बच्चों के बना देती हूँ रोटी। तो गाइस, देव के पापा गए हैं 3:30 बजे ड्यूटी पर, आज रात की ड्यूटी है उनकी। और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो अभी नहा धोकर, और देखिए देव ने धो दी थी देव अपने पापा की गाड़ी। बेटे पानी ऐसी मत चला बेटा। भाई ये देखिए हमारी बहू आरती हैं, और ये इनकी बहन, क्या नाम है आपका? बीना। और ये नजफगढ़ से आई हैं, और ये इनकी गुड़िया है। और यहाँ पे आके मन लगा? हाँ। लग रहा है? लग रहा है। ट्रेन में आए थे कि ये गोलन लेके आया? नहीं, उसमें ऑटो में। वहां से इतनी दूर से ऑटो में झूला झूल रहे हो भाई? हैं, सावन आ गया तुम्हारा। यो इस पे कौन मिलती है? इस पल किसकी? इसकी जो तो गोलन है, और यो है वो पाले का पुत्ता। सही कह रही हूँ मैं? कती वही शक्ल है इसकी, गुल्लू गोलू वर्गी, छोटा सा ना, अब भी ऐसी शक्ल है उसकी, है ना? कती सेम वही, मका उसका परछावा पड़ रहा है, वही आया करा था क्या ज्यादा? देखियो यो गोलन है नुक्का नुई, कती गोलन है सेम। हाँ भाई, गंजे करवा दे यार, सही रहेगा। अब पीछे से जब मट्टी में नहा रही थी जब भी, तो करवा, 10 हो गए, होएगा महीना सारा होया जब भी करवाया। जल्दी आगे बढ़े, इसकी देखो चोटी। ये अपने खोल लेगी बाल। इसका क्या नाम है? माही। ओए होए, ये लंबी है शायद, है ना? नहीं, ये लंबी है। ये लंबी है? अच्छा, ये बड़ी भी लगती है उसके। और दोनों एक साथ हुई हैं? 2 महीने की छोटी है कि 1.5 महीने की? हाँ। अच्छा, और ये आ गई है काफी हमारी भांजी। सही, दूध हमने गर्म करके पंखे के नीचे रख दिया है, इसकी जमाएंगे दही। और वही मैंने बना ली थी थोड़ी सी चाय, तो मैं अपने लड्डू को लगा देती हूँ भोग। लड्डू जी नमकीन खाइए भाई, मैंने शाम को भी नहीं लाया था लड्डू को अपनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आ जाइएगा गाइस, आप भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय गर्मी में। शाम को तो चाय ज़रूरी चाहिए बच्चों को, कर रहे हैं ना ये ऊपर। तो चलिए भाई पी लीजिए लड्डू जी चाय। तो गाइज, हमने हारे के ऊपर बना ली है मिक्स दाल। हारे और चूल्हे के ऊपर जब हम सब्जी और दाल बनाते हैं तो बड़ी ही टेस्टी बनती है। ये देखो भाई गाइज, हम हमने दोनों मोटर ठीक कराई थी, तो अब हमारा आरओ खराब हो गया। कहते हैं ना कि एक चीज़ ख़राब हो जाए तो दूसरी अपने आप ही ख़राब हो जाती है। क्या क्या ठीक करवाए हुए हुए खर्चे पे खर्चा, डर चढ़ रहा है कि कहीं हमारा फ्रिज ख़राब ना हो जाए गर्मी में, बिना पानी के क्या करेंगे। तो चलो, आरओ वाले के पास हमने फ़ोन करा था, तो वो बोला 3-4 दिन लगेंगे अभी। तो मैंने कहा भाई 3-4 दिन तक कैसे काम चलेगा बिना आरओ के? तो वो बोला ठीक है, तो मैं कल भेज देता हूँ मिस्त्री को, तो कल हम भरवाएंगे सुबह। हमारी गली में आता है पानी वाला, जो आरओ का पानी आता है कैंटर या आता है, तो हम उससे दो जग भरवा लेंगे पानी के, और फिर देखते हैं वो आता है या नहीं। वो नहीं आया तो चीनू हरके से या किसी के से लाएंगे आरओ का पानी। बिना आरओ के पानी के तो काम नहीं चलेगा भाई, नहीं तो अच्छा लगता है पीने में और ना ही खाना बनाने में। मैं आरओ के पानी में ही खाना बनाती हूँ, क्या करूँगा, इस आदत पड़ चुकी है। और भाई जब कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है ना, बड़ी टेंशन हो जाती है कि अब क्या करें।
तो चलिए भाई कल तक और देख लेते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी देखेंगे भाई और किसी मिस्त्री को बुलाएंगे, क्या करें। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि हमारा आरओ हो गया है ख़राब, तो मैं ये डोली भरवा लाती हूँ चीनू भर के यहाँ से पानी अपनी बड़ी जेठानी के घर से आरओ का। तो चलिए भाई चलते हैं और देखिए गाइस अमरूद के सूखे पत्ते कितने झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ सा आ गया फिर दोबारा, और अमरूद भी काफ़ी लग रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। तो भाई गंजे क्या कर रहा है? गर्मी में मजे ले रहा है। आजा मिठू, कैसी लग रही है चलान में? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये आ गया वही नंदी महाराज। बोल भाई चिन्नू जो छुपी होगा तो चमचम भर रखी है। तो भाई पुष्पा हर के घर भरवा लेती हूँ मैं पानी आरू का, हमारे से आरू में पता ना क्या हो गया, मोटर ठीक करवाई तो अब आरू में हो गया, दो मोटर ठीक करवाई हैं वैसी भी, और वैसी और तेरे से अच्छा छोड़ मारा मैं, मैं क्या करूँ भाई, मेरे बस की बात नहीं हुई, हो गया हो गया। यहाँ से ना एकदम इस छुट्टी में से एकदम फूंदे सी की आवाज आई छू, और बन रहा होगा इसमें पानी तो, है ना? हाँ भर रखा, बस इस डोली ने पूरी भर दी है। तो भाई देखो कब तक ठीक करके जाओगा, करा तो है फोन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पुष्पा, बिना आरो का पानी का ना पीण में स्वाद ना है। किसमें? इसमें हाँ वो बूंदी धरी थी ना, हाँ ये हो जाए, ये जान लगा है सारे स्कूल में, है ना भाई? और वो चिन्नू स्कूल जान लगा देखते देखते, है ना भाई? हाँ कह रहा ए सी ना है, हाँ तो गर्मी लग गया। अच्छा ये भास के दिखा दे पुष्पा के, हंस के दिखा दे, बोलिए बोल डिंग 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 वो गई इसके आर्थिक मामा की छोरी आज। अच्छा गई देव ने और देव के पापा ने खा लिया है खाना, तो खाने में बना रखे हैं मैंने दाल चावल रोटी और अचार, और दूध रखा हुआ है यहाँ पे ठंडा होने के लिए, फिर मैं जमाऊंगी इसकी दही। तो आज ही गाइस जिसने भी खाना खाना है, और भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और लाइट भी चली गई है, पता नहीं आएगी या नहीं। तो देव के पापा तो अपना बिस्तरा लेकर चढ़ गए हैं छत पर सोने के लिए, तो मैं तो जाऊंगी नहीं छत पे क्योंकि गरम गरम लू चल रही है, ठंडी हवा चल रही होती तो चलो सो भी जाती, तो देखते हैं लाइट आएगी तो ठीक है, नहीं तो इन्वर्टर चल ही रहा है हमारा। देखिए भाई मैं लगा लेती हूँ कपड़ों की तय यहाँ पर, ये धुले हुए कपड़े हैं, और कल फिर उससे मशीन लगाऊंगी क्योंकि कपड़े हो गए हमारे दो तीन दिन के फिर से। चलिए भाई चलो भाई, सुबह है मावस तो मैंने कर ली है मंदिर की सफाई और जो की बर्तन भी हो गई है, सभी नहीं लेकर वो साफ कर दिया, मंदिर को भी साफ कर दिया। तो सुबह जाएंगे हम अपने पापा पे खेत में जोत लगाने के लिए।